अगर आप भी निवेश करते हैं किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में तो आप निवेश करते होंगे डायरेक्ट प्लान के थ्रू या फिर रेगुलर प्लान के थ्रू। और ज्यादातर लोग आपको सजेस्ट भी करते होंगे कि आपको डायरेक्ट प्लान के थ्रू ही निवेश करना चाहिए, पर क्या आप जानते हैं कि डायरेक्ट प्लान का मतलब क्या है या फिर डायरेक्ट प्लान किस तरह से बेहतर है रेगुलर प्लान से, और आखिर डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है इन्हीं सभी सवालों का जवाब, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। देखिए, जब भी आप निवेश करते हैं अपने पैसों को किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो स्कीम आपके पैसों को आगे निवेश कर देती है डिफरेंट एसेट क्लास में, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, शेयर, सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। और इसके बदले में वो फंड हाउस आपसे एक फीस चार्ज करती है जिसको कि एक्सपेंस रेशियो बोला जाता है, जो कि 1-2% तक हो सकता है। ये फंड टू फंड वेरी करता है। और इस फीस में उस फंड हाउस का मैनेजमेंट एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूटर एक्सपेंस और भी अलग अलग तरह के एक्सपेंस इंक्लूडेड होते हैं। अब मान लीजिए कि आप अपने पैसों को निवेश करते हैं किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में जिसका कि एक्सपेंस रेशियो है 2%, तो आपने जो भी पैसा निवेश किया होगा उसका 2% पर ईयर आपको उस म्यूचुअल फंड को देना होगा, यानी कि रोज का लगभग 0.005% उस फंड हाउस का एक्सपेंस रेशियो देना होगा। तो अगर आप निवेश करते हैं 1,000 रुपए, तो आपको रोज का लगभग 5 पैसा एक्सपेंस रेशियो उस फंड हाउस को देना होगा। तो इससे हमें यह समझ आता है कि एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा किसी स्कीम का, उस स्कीम का रिटर्न उतना ही बेहतर होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट प्लान के बारे में। देखिए, डायरेक्ट प्लान में जब आप निवेश करते हैं किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो आप निवेश करते हैं उस स्कीम के फंड हाउस या AMC में डायरेक्टली। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है किसी भी थर्ड पार्टी एजेंट का। ये थर्ड पार्टी एजेंट कोई एडवाइजर हो सकता है, कोई ब्रोकर या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी एजेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आपको किसी भी तरह का कोई कमीशन और ब्रोकरेज भी नहीं देना है, जिसके कारण डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो कम होता है रेगुलर प्लान्स के कंपैरिजन में। वहीं अगर आप निवेश करते हैं किसी स्कीम के रेगुलर प्लान में, तो आपको निवेश करना होगा किसी थर्ड पार्टी एजेंट के थ्रू, किसी एडवाइजर, ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। तो यहाँ पे आपको कमीशन और ब्रोकरेज भी पे करना होगा, पर आप ये कमीशन या ब्रोकरेज डायरेक्टली उस थर्ड पार्टी एजेंट को पे नहीं करते हैं। ये थर्ड पार्टी एजेंट्स अपना ब्रोकरेज कमीशन सीधे तौर पे फंड हाउस से लेते हैं, फिर वो फंड हाउस इस ब्रोकरेज और कमीशन को ऐड कर देती है आपके फीस में, जिसके कारण आपका एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है। और यही कारण है कि रेगुलर प्लान्स का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है डायरेक्ट प्लान के कंपैरिजन में, और इसीलिए रेगुलर प्लान्स का रिटर्न भी थोड़ा सा कम होता है डायरेक्ट प्लान के कंपैरिजन में। और किसी भी स्कीम के रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान के बीच का डिफरेंस लगभग 1% तक या उसके आसपास हो सकता है। देखिए, ऐसे तो 1% सुनने में बहुत कम लगता है, पर अगर आप किसी स्कीम में निवेश करते हैं लंबे समय, जैसे कि 15, 20 या 25 साल के लिए, तो 1% आपके कॉर्पस में लगभग 15 से 20 लाख की कमी ला सकता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको डायरेक्ट प्लान के थ्रू ही निवेश करना चाहिए, क्योंकि अगर सेम स्कीम में ही आपको 1% ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है डायरेक्ट प्लान में निवेश करके, तो फिर क्या फ़ायदा है रेगुलर प्लान में निवेश करने का। चलिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में डिफरेंस क्या है। देखिए, सबसे पहले डायरेक्ट प्लान में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, किसी भी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, और वहीं रेगुलर प्लान में आपको किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ही निवेश करना होता है। और इसके अलावा डायरेक्ट प्लान का रिटर्न भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे आप किसी तरह का कोई एडिशनल ब्रोकरेज किसी एजेंट को पे नहीं कर रहे हैं। वहीं रेगुलर प्लान का रिटर्न थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा ब्रोकरेज फीस देना होता है। और इसी तरह से डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई एडिशनल फी नहीं होता है, जैसे कि ब्रोकरेज या कमीशन। और इसी तरह से रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्रोकरेज और कमीशन देना होता है। और एक्सपेंस रेशियो लो होने के कारण डायरेक्ट प्लान का NAV हाई होता है, और इसी तरह से रेगुलर प्लान्स का एक्सपेंस रेशियो हाई होने के कारण NAV लो होता है। और जैसा कि मैं अपने पहली वीडियोस में ही बता चुका हूँ कि आपको किसी भी स्कीम में निवेश करते समय उस स्कीम के NAV को कंसीडर नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहे तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और उसके अलावा डायरेक्ट प्लान में आपको मार्केट रिसर्च खुद से करना होता है कि आपको कौन से फंड में निवेश करना चाहिए, आपके गोल के हिसाब से कौन सा फंड आपके लिए सूटेबल होता है। और रेगुलर फंड में ये सारा मार्केट रिसर्च आपको आपका एडवाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर करके देता है। और इसके अलावा आप अपने पैसों को निवेश करें किसी स्कीम के डायरेक्ट प्लान में या रेगुलर प्लान में, उस स्कीम का फंड मैनेजर सेम ही रहेगा, उस फंड का पोर्टफोलियो भी सेम ही रहेगा। अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ फंड के एक्सपेंस रेशियो पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान क्या होते हैं और दोनों का डिफरेंस क्या है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही मुझे कमेंट करके बताएं कि आप कौन से प्लान में निवेश करते हैं। तो जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।